तमाम दोस्तों की हालचाल सत श्री अकाल नमस्ते आदाब। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट PB 30 वाला। मसूरी से हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले लाइटिंग ऑन करते हैं यार। रेडी हो चुके हैं, नाश्ता ऑर्डर किया है, ब्रेकफास्ट करने के बाद निकलते हैं हम आगे। सामान बिल्कुल पैक हो चुका है, जैसे हेलमेट उठाना है, राइडिंग जैकेट डालनी है और निकलना है अपने रूट की तरफ। रेडी हो चुके हैं, निकलने का टाइम हो चुका है, सामान पैक हो चुका है, जस्ट उठाना है और बाइक पे बांधना और निकलना है। दिन में माल रोड का सीन कुछ ऐसा है, बिल्कुल खाली है, बट हमें जाना है अब केम्प्टी फॉल। तो यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट टर्न टुवर्ड्स केम्प्टी फॉल। ये रास्ता जाता है केम्प्टी फॉल की तरफ। व्यू देखो यार, एक नंबर। हम लोग हैं केम्प्टी फॉल रोड पे और रोड एकदम मक्खन, कर्व्स इतनी ज़्यादा है कि आप इसको ज़्यादा तेज नहीं टर्न कर सकते। और जो नीचे पानी पड़ा है उसके ऊपर धूप इतनी तेज चमकती है, आंखों में जाती है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है कि ये मैं ब्लैक वाइजर छोड़ आया अपना, लेकिन अगर मैं ब्लैक वाइजर लेता या रेनबो वाइजर लेता तो बहुत अच्छा रहता। मज़ा आ रहा है अब तो। कल जितना टायरिंग डे था, आज उतना ही मज़ेदार डे होगा, बिकॉज अब तक जो भी रूट मिले हैं मसूरी के साइड में, जो भी रूट है सभी रूट अच्छे हैं। पता नहीं मुझे आप लोगों को रोड दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा। ये रोड सामने जाता है, बिल्कुल सीधा नीचे, वो देखो वहाँ तक सीधा नीचे जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे रोड पे आ रहे हो तो आपके लिए एक सजेशन, ऐसे रोड्स पे बाइक को कभी भी न्यूट्रल मत करना, जैसे बहुत से लोग करते हैं, गियर निकाल देते हैं, खुद ब खुद भागती रहती है। गियर में रखो, बाइक की ब्रेक्स के ऊपर कंट्रोल रखो, थोड़ी थोड़ी ब्रेक लगाओ, थोड़ी छोड़ो, लगाकर मत रखो। लगाकर रखने से क्या आपकी ब्रेक पैड्स जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। मैं पहले केम्प्टी फॉल नहीं जा रहा हूँ, मैं पहले होटल जा रहा हूँ। होटल में रखेंगे सामान, उसके बाद निकलेंगे आगे। मैं रोड छोड़कर थोड़ा साइड में आ चुका हूँ। केम्प्टी फॉल से 1 किलोमीटर पीछे से रास्ता कटता था राइट की तरफ। मैंने उस रास्ते की तरफ टर्न ले लिया है, बिकॉज मैंने जो कैंप बुक किया है वो इस रोड पे बुक किया है। चाहे ये रोड अच्छा नहीं है, बिकॉज विलेज की तरफ जाता है, तो यार गवर्नमेंट भी इतना ध्यान नहीं देती रोड की तरफ, लेकिन वहाँ पे जाके जो व्यू होंगे ना वो वर्थ होंगे, गारंटी मैं देता हूँ। रास्ता थोड़ा चाहे ख़राब है, लेकिन ट्रैफिक से दूर है, शहर की टी टी इससे दूर है, और लोग यहाँ पे पैदल आते हैं। कोई ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है यहाँ पे। और नीचे व्यू एक नंबर, जो नीचे वो दिख रहा है आपको हरा हरा, वो लोगों की खेती की हुई है। ऊपर भी है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ घर है, ऊपर कुछ घर है, नीचे भी कुछ घर हैं, वो सामने भी कुछ घर हैं। इनका लाइफ साइकिल बहुत मुश्किल होता है यार। कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, आना जाना सामान लाना बहुत मुश्किल होता है। चलो अब जल्दी से थंबनेल निकालते हैं और फिर चलते हैं। बाइक बहुत गंदी हुई पड़ी है। ये रहे हमारे टेंट्स, लोकेशन A1। सो कैंप वाले रोड पे हम पहुंच चुके हैं। सामने मुझे कैंप दिख रहे होंगे, आपने देख लिए होगा जब मैंने जूम करके आप लोगों को दिखाया होगा। तो व्यू एक नंबर है यार। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा केम्प्टी फॉल जाऊं, कहीं पे भी जाऊं, बस यहीं पे आके रुका हूँ। एक दिन यहीं पे स्पेंड करने का मन कर रहा है। अभी देखते हैं, नीचे जाके प्लान बनाते हैं। नीचे रोड जाता है, उस रास्ते जगह पे पहुँचने के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं, फिर बात करते हैं आप लोगों से बाकी की। तो ये रूट जाता है नीचे की तरफ, थोड़ा सा रिस्की है, बिकॉज सीधी ढलान और रोड भी अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान से आना। अगर वीडियो देख कर अगर यहाँ पे आ रहे हो, रोड इन्होंने बनाया था, लेकिन ऊपर से पत्थर गिर गिर के रोड ख़राब हो गया। तेज़ी से आओगे तो इस यहाँ पे टर्न लेना मुश्किल हो जाएगा। बट जल्दबाजी मत करना, बस यही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। धीरे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पहुँच गए हम ख्वाहिश रिजॉर्ट पर। तो ये टेंट हमें मिल गया है 7 नंबर, और जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा वापसी यार। अब यहीं पे बैठने का मन कर रहा है कि एक दिन यहीं पे स्पेंड करूं, सिर्फ केम्प्टी फॉल देखा हूँ। कल शाम को जाएंगे, बाकी घूमने देखने एंजॉय करने। सारा दिन ऐसे ही बैठा रहूँ ना मैं तो भी कम है यार, लेकिन वीडियो आप लोगों के लिए भी बनानी है, बैठने से कुछ नहीं होगा। तो इसके साथ मेरी अच्छी जान पहचान हो गई है, अब इसके साथ खेलेंगे बाद में, पहले चलते हैं केम्प्टी फॉल। ये मुझे लेके जाएगा बाहर तक, रोड तक। यहाँ से मैं अपनी बाइक लेके जाऊँगा वापसी। सामान मैंने टेंट में रख दिया है, अब सिर्फ एक टैंक बैग है और एक खाली बैकपैक है। उसके अंदर क्या है, जब मैं कहीं पे जाऊँगा तो इसका सामान निकाल कर उसमें डाल लूँगा। रोपवे भी ले सकते हैं, ट्रैक करके भी नीचे जा सकते हैं। नीचे बिल्कुल फ्री एंट्री है आपकी। वो राइट में मेरे केम्प्टी फॉल। चलो कहीं पे बाइक को पार्क लगाते हैं और फिर पैदल चलते हैं केम्प्टी फॉल की तरफ। आप लोगों को दिखाते हैं केम्प्टी फॉल। मैं जा रहा हूँ नीचे ट्रैक करते, लगभग 250-300 स्टेप्स का ट्रैक है। अगर आप कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो 120 रुपये रोपवे लेता अप एंड डाउन के। बिल्कुल फ्री एंट्री है, कोई भी आ सकता है। रास्ते में कई एक्टिविटीज़ हैं ट्रैक में, आप कई कर सकते हो। बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत कुछ है। तो चलो अब चलते हैं, नीचे का सीन दिखाते हैं आपको। झरने का पानी यहाँ तक आ रहा है, ठंडी ठंडी फवारा पड़ रहा है और मज़ा एक नंबर। आप लोग देखो एक बार सीन, और फिर करते हैं आप लोगों से बातें, खाते हैं कुछ। झरने के बिल्कुल सामने बैठ के हम खाएंगे मैगी, मज़ा अलग लेवल का होगा। केम्प्टी फॉल के बिल्कुल सामने बैठकर हम लोग करेंगे मैगी को एंजॉय, चाय पियेंगे, पीछे व्यू देखो, और यहाँ पे बैठेंगे हम इस टेबल पे। सुशील भाई मैगी बना रहे हैं हमारे लिए बिल्कुल सामने केम्प्टी फॉल के पास। अगर आप आते हो तो यहाँ पर ज़रूर आना, और अब करेंगे मैगी को एंजॉय यहाँ पे बैठ के। लोग नहा रहे हैं, आप भी नहा सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है नहाना। अब केम्प्टी फॉल से जाएंगे कंपनी गार्डन पहले, उसके बाद जाएंगे आगे। ये सारा रोड वही है केम्प्टी फॉल वाला। लगभग 13 से 14 किलोमीटर मुझे इसी रोड पे चलाना पड़ेगा। तो आप लोगों को मिलते हैं अब जाके कंपनी गार्डन, बिकॉज़ वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो जाएगी। और हमने केम्प्टी फॉल का बहुत इन्जॉय किया। अगर आप मसूरी साइड आ रहे हो ना तो मस्ट विज़िट प्लेस है एक केम्प्टी फॉल। इतना मज़ा आया वहाँ पे, लगभग मैंने आधा पौना घंटा स्पेंड किया। अगली बार आएंगे, नहाएंगे भी। इस बार क्या था, मैं मॉर्निंग में नहा के आया था, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो ना कैंप साइट को देना है। कैंप साइट को ज़्यादा एंजॉय करना है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत कम ही हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम कैंप में स्पेंड करना चाहता हूँ। रहने को मैं एक दिन और कैंप में रह सकता हूँ। मेरा मूड बन रहा है कि सिर्फ एक दिन सिर्फ कैंप में बैठ के बताया जाए। सैडल बैग्स के बिना जो चलाने में कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, वो सैडल बैग के साथ भी नहीं आता है। ये देखो, ये जो कॉर्निंग होती है ना बिना सैडल स्टे के, थोड़ा सा टेट साइड से नी डाउन करके, वो सैडल बैग्स के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज क्या होता है कि उसके साथ कभी दोनों साइड वेट बराबर नहीं होता, तो दोनों साइड अगर वेट बराबर नहीं होता तो थोड़ा बहुत हिल जाता है बाइक, जिसकी वजह से गिरने के चांस हो जाते हैं, नुकसान के चांस हो जाते हैं। लेकिन जब आप अकेला बाइक चला रहे हो बिना सैडल बैग्स के, ऊपर से स्पोर्ट्स बाइक, तो नी डाउन करने में जो मज़ा आता ना, वो बात ये लगा। लेकिन मैं इतना नहीं करता हूँ, बिकॉज़ गिरना नहीं है, हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। जो ट्रैक पे चलाते हैं वो पूरा का पूरा नी डाउन करते थे। लेकिन चलो मिलते हैं आपको कंपनी गार्डन पहुँचने के बाद।